अगर आपके भी मोबाइल में जो कैलकुलेटर है उसमें बिग नंबर का कैलकुलेट नहीं हो पाता है, ई करके एक एरर आ जाता है, ठीक है। ज्यादा संख्या का आप गुणा मल्टीप्लाई कुछ नहीं कर पाते हैं, एडिशन कर पाते हैं ज्यादा संख्या का, ठीक है। तो इस वीडियो में लेकर आ गए हैं, आप अगर ज्यादा संख्या का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट या टीचर हैं तो आप कैसे कर सकते हैं अभी अपने मोबाइल से, ठीक है। तो आप इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है, आपको कैसे 12 से 12 संख्या का मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके जो मोबाइल में सिंपल सा जो कैलकुलेटर है उसमें नहीं होता है तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, छोटा सा वीडियो है, आपको क्या करना है शुरू से अंत तक देखना है, ठीक है। तो आपको बता दें कि कैसे आपको बिग नंबर कैलकुलेट करना है, वो भी ऑफलाइन अपने मोबाइल से कैलकुलेटर डाउनलोड करके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल कर दीजिए इस तरह का वीडियो देखने के लिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड, आपको मोबाइल स्क्रीन पर आ जाना है, हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर, और इसमें आपको तीन प्रोसेस बताएंगे, तीन स्टेप यानी तीन कैलकुलेटर ऐप, ठीक है। तीन तरीका आपको जो तरीका लगे आप वो आजमा सकते हैं, ठीक है गाइस। वो भी सिंपल सा तरीका, सिंपल सा, अपने फ़ोन में जो प्ले स्टोर उसको ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद सिंपल सा इसमें सर्च करना है बिग नंबर कैलकुलेटर, सिंपल सा सर्च कर देना है, ठीक है। सर्च करने के बाद सिंपल सा यहाँ 4-5 नंबर पर मिलेगा ये लार्ज नंबर कैलकुलेटर, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद सिंपल सा ओपन करना है, जैसे यहाँ इस तरह का ओपन हो गया, ठीक है, इस तरह से ओपन होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा क्या करना है, चलिए हम डेमो के तौर पर बिग नंबर ले लेते हैं, यहाँ देख सकते हैं टाइप कर रहे हैं, और नंबर लेने के बाद इतना नंबर लेने के बाद सिंपल सा क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे और इतना अंक से मल्टीप्लाई करके और इक्वल टू कर देते हैं, यहाँ देख सकते हैं हमारा आंसर आ चुका है, इतना नंबर होगा, ठीक है। आपको इसे भी ज़्यादा करना है तो इससे भी ज़्यादा अंक संख्या इसमें टाइप करना है, यहाँ देख सकते हैं इसे भी ज़्यादा संख्या हम टाइप कर देते हैं, यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इतना से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू कर देंगे, ये टोटल यहाँ संख्या आ चुका है, ठीक है गाइस। आप जितना मन है उतना इसमें संख्या क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है, आप इसे भी क्या कर सकते हैं। चलिए हम दूसरे एप्लीकेशन की ओर चलते हैं, सिंपल सा यहाँ दूसरा एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में, यहाँ देख सकते हैं लार्ज ये भी है लार्ज कैलकुलेटर, तो ये भी इसमें भी आप जितना चाहते इतना आप कह सकते हैं ऐड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई और क्या भाग जोर सब कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तो यहाँ देख सकते हैं उस तरह का आंसर इतना आ गया है। और तीसरा स्टेप की ओर चलते हैं, तो सिंपल सा आपको क्या है, अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है सिंपल सा आपको क्रोम ब्राउज़र में आना है यानी गूगल में आना है, और सर्च बॉक्स में आपको क्या टाइप करना है, तो सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है बिग नंबर कैलकुलेटर, ठीक है। सर्च करने के बाद सिंपल सा इस तरह से इंटरफेस आएगा, पहले लिंक पर क्लिक करना है, और पहले लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ देते हैं बिग कैलकुलेटर नंबर आ गया है, और क्या करना है आप जो अंक से जितना अंक को क्या करना है मल्टीप्लाई या ऐड करना है वो अंक लिख लेना है। चलिए हम डेमो के तौर पर इतना अंक लिख लिया, और इसमें क्या करना है जिस संख्या से इसमें ऐड करना चाहते हैं, गुना करना चाहते हैं या भाग करना चाहते हैं वो अंक लिख लेना है। चलिए हम ये अंक से इतना में क्या करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करने वाले थे, यहाँ इस तरह से है आप x प्लस वाई, यानी ये x है और ये y है, तो अपने अनुसार यहाँ देख सकते हैं x प्लस वाई, अगर ऐड जोड़ करना चाहते हैं इस दोनों को ऐड करना है तो ऐड पर क्लिक करना है, अगर माइनस करना है तो माइनस पर क्लिक करना है, और मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई पर क्लिक करना है, भाग तो भाग पर क्लिक करना है, यहाँ सारा सारा ऑप्शन। चलिए मल्टीप्लाई पर क्लिक करेंगे, और मल्टीप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ से रिजल्ट, यहाँ रिजल्ट टोटल आ चुका है कितना नंबर है, ठीक है। ये तीसरा स्टेप था, ठीक है, लेकिन ये जो है इस ऐप का लिंक क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये ऐप मिल जाएगा, इसका लिंक नहीं मिलेगा, ये ऐप ही मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये ऐप का लिंक प्ले स्टोर पर भी नहीं है, ये प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल नहीं है ऐप, ठीक है। इसमें क्या है, इसको डाउनलोड कर लेना है डिस्क्रिप्शन से, और ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। और चलो अपने कैलकुलेटर की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कैलकुलेटर को, जो सिंपल कैलकुलेटर है हमारे फ़ोन में, यहाँ सिंपल कैलकुलेटर, इसमें हम चलिए अंक लिखते हैं, चलिए इतना अंक लिख दिया और मल्टीप्लाई करेंगे, और इतना से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पॉइंट आ चुका है और यहाँ ई आ चुका है, यहाँ देख सकते हैं ई आ चुका है, तो इसमें बिग नंबर नहीं हो पाता है, इसमें आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जाएंगे।